कोरोना के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। हमारे संवाददाता फिर कुछ शहरों में पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। आप भी देखिए। आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए। यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने खुद ने नहीं लगा रखा, उनसे हमने पूछा कहाँ के आपका मास्क, तो बोल रहे हैं घर भूल आया। वो कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा तो हाथ में ही है। मास्क लगाना जरूरी है। मास्क तो आपने भी नहीं लगाया? हमारा तो सुई लगे ना अभी आज। आपका मास्क कहाँ है? अभी बस जस्ट गाड़ी लेके आए हैं। मास्क पर ऐसे ऐसे बहाने कि सुनकर सिर चकरा जाए। एबीपी न्यूज की टीम देश के अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक के लिए निकली थी। हम ये देखने निकले थे कि ओमिक्रॉन की आहट के बीच लोग कितने सतर्क हुए हैं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन हमारी पड़ताल में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो हैरान करने वाली है। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर डर नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार जनता को बार बार सावधानी बरतने को कह रही है पर कोई सुनने वाला नहीं। सबसे पहले आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों से बात की हमारी संवाददाता लता शर्मा ने, तो देखिए लोगों का क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था कि मेरे सफोकेशन हो रहा है। मेरे को सफोकेशन हो रहा है? आप मुझे बताओ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं सेफ रहना चाहिए? आपकी बात बराबर है लेकिन अभी मैं थोड़ा बस से आया इसलिए मेरे को थोड़ा सफोकेशन हो रहा था, अभी मैंने लगा लिया, सॉरी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं कि हमें सिक्योर रहना चाहिए? अपनी सुरक्षित जो है सुरक्षा वो हमें अपने जिम्मेदारी से उठानी चाहिए। अभी ये भीड़ भाड़ तो छोड़ के हम सब फैमिली अभी फैमिली का मास्क तो नहीं ना लगा सकते फैमिली में, जो भी हम हमारी सिक्योरिटी तो हम रखते हैं। सरकार बार बार कहती है दो गज दूरी, मास्क है जरूरी, पर यहाँ ना तो दो गज दूरी है और ना ही मास्क। यही हाल कुछ बिहार की राजधानी पटना का भी है। यहाँ के बाजार में हमारी संवाददाता निधि श्री ने लोगों से मास्क के बारे में पूछा तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। पटना के NMCH अस्पताल के बाहर अलग अलग जिले से अस्पताल लोग पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए और किस तरह मास्क नहीं पहना है लोगों ने। अब जैसे ये सामने भाई साहब को देख लीजिए, झाल मुड़ी बना रहे हैं। मास्क कौन पहनेगा? मास्क गमछी रखते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी लोगों में डर नहीं है। उत्तराखंड के पलटन बाजार से भी भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां लोग बिना मास्क के बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई डर है। मास्क तो नहीं, क्या करें, बच्चों का पेट ही पालना है, सारे दिन मास्क लगा के बैठ नहीं सकते हम यहाँ पे। धूल मिट्टी आती है यहाँ से, इंजेक्शन वगैरह हम ले रहे हैं, कोविड का ले लिया हमने दो। अगर बीमार हो गए तो क्या बच्चों का पेट पाल पाएंगे? वैसे नहीं पाल पाएंगे हम। मास्क लगाइए ना सर। मैं लगाते हैं, सारे दिन लगा के नहीं बैठ सकते। ऐसे में ओमिक्रॉन का मजबूत होना लाजमी है। अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर कई नियम भी बनाए हैं, पर भक्तों को किसी बात का डर नहीं। तो आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो मास्क है आपके पास? आप कहाँ से आए? राजस्थान। आप मास्क नहीं लगाए? मास्क लगा रखा हूँ ना, बस अभी हाल ही दर्शन कर रहा था इसलिए कर रहा था। दर्शन कर रहे थे, मतलब तमाम बहाने हैं यहाँ पर लोगों के पास। इस वक्त देश में कुल ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 653 है। कई राज्यों ने इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। केंद्र सरकार भी लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है, लेकिन जनता को शायद हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। ABP News आपको रखे आगे।